प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहन को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि इस हजूरी में आने के लिए, क्योंकि दिन भर हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, दिन भर अपने जीवन की जो भी हमारी भाग दौड़ है हम उसे दौड़ते हैं और एक समय मिलता है रात को हमें प्रभु का धन्यवाद करने का, स्तुति करने का। तो आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाद में आपके लिए वचन होगा और लास्ट में आपके सभी के लिए प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास प्रार्थना के बाद जैसे हमें गवाहियां आ रही हैं, आपकी गवाही भी बनेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, बाद में वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए, आने वाली रात के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दिन भर हमें संभाला, ये आपकी करना और ये आपकी दया है हम पर। प्रभु जी धन्यवाद कहते पिता आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। विश्वास करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद प्रभु परमेश्वर खुदा, जो सुनने वाले जब बाद में सुनेंगे खुदा उनके हालात बदल जाएंगे खुदावन, वो तेरी और चलेंगे खुदावन और अपने मकसद को जान सकेंगे खुदा ईश्वरजा कि हम इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं खुदा ईश्वरजा। आज वचन को सुनने के बाद प्रभु जी इनके ऊपर हीलिंग उतर आए प्रभु, तेरी डिलीवरी उतर आए पिता परमेश्वर। जिस चीज से परेशान है खुदा इस वचन के द्वारा सुनते सुनते इनकी तमाम परेशानियां दुख तकलीफें रोग प्रभु यीशु तेरे नाम से जाते रहे। प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा आज प्रभु हमें बड़ी रीति के साथ प्रभु इस वचन को समझने के लिए पिता परमेश्वर तेरा आत्मा में गाइड करे। हम अपने होंठों से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा इस वचन को पढ़े सुने देखे खुदा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आत्मा हमारे बीच में आ चुका है। सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में। सब बोलिए आमीन। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन हम मत्ती की इंजील 13 बाब की हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे 47। स्वर्ग के राज की बात हो रही कि स्वर्ग का राज कैसा है। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुआरे उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया, उस बड़े जाल के समान जो समंदर में डाला गया, और समंदर में अच्छी मछलियां भी हैं, बुरी मछलियां भी हैं। अब कौन अच्छी मछलियां, अच्छी मछलियां वो अच्छी मछली अब वो कौन सी अच्छी मछलियां, अच्छी मछलियां वो है जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उसे सुनते भी है, पढ़ते भी है और उसके ऊपर चलते भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता अपने वचन में वो ही मेरे माता पिता है, वो ही मेरे बहन भाई है जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनको मानते भी, अपने जीवन में फॉलो भी करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज में वही जाएगा जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, शरीर की अभिलाषा से दूर रहता है। शरीर की अभिलाषा भी ये नहीं कि आपको घर नहीं चाहिए, घर चाहिए आपको। अब आपको हो गया कि क्योंकि शरीर में जब होते हैं तब मन तो करता ही ना हमारा घर भी ऐसा हो, हम भी ऐसा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, कोई कर्ज हमारे ऊपर ना, कोई बीमारी हमारे ऊपर है। ये शरीर अभिलाषा की मैं बात नहीं कर रही, मैं शरीर की अभिलाषा वो कर रही हूँ जो आपके शरीर को खराब करती है, आपकी आत्मा को खराब करती, वो मैं अभिलाषों की बात कर रही हूँ जो आपको गंदगी में लेके जाती है, अपने आपके ही शरीर की अभिलाषा। मतलब जैसे आपको पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है आपके मन में है कि मेरा अच्छा घर बनाऊं, पर आपकी इनकम ऐसी इतनी नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो पर इतनी इनकम नहीं कि आप बड़ा घर बना सको। उसके लिए आप क्या करते हो, दो नंबर की कमाई करनी शुरू कर देते हो। जब दो नंबर की कमाई करते हो क्या होता है, फिर वो अभिलाषों में आ जाता है कि अपने अपने अपनी अभिलाषों को पूरा करने के लिए खुदावन के हुक्म को तोड़ दिया, आप दो नंबर की कमाई में चले गए। उन अभिलाषों की मैं बात कर रही हूँ, उससे अच्छा यही है कि आप दो कमरों में रह ले, एक कमरे में रह ले, वो अच्छा है, उसमें प्रभु खुश रहेगा, वो लोग जा पाएंगे प्रभु के समंदर के जो जाल है ना उसमें वो लोग जा पाएंगे, वो मछलियां जा पाएंगी जो अपनी मेहनत की कमाई खाते, चाहे थोड़ा है, थोड़े में वो अपना हंसी खुशी आज आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर दो नंबर की कमाई से दूर है,
वो प्रभु के राज्य में जा सकेंगे। अच्छी मछलियां बननी है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते करते आप नरक में मत चले जाइए, अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए। रही बात बढ़ने की, जब आप अपने निच्चा के अकॉर्डिंग चलते जाते हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हो कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं बढ़ूंगा, जब अपनी मेहनत पर आप विश्वास रखते हो तो वो मेहनत फल लेके आती है। आप जो मन में आपकी इच्छा है, जो आपने कल्पनाएं रखी है, वो सिद्ध होंगी, वो पूरी होंगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक नंबर की कमाई पर विश्वास रखना होगा, मेहनत करनी होगी। अच्छी मछली बनना, अगर स्वर्ग जाना है तो क्या करना है, अच्छी मछली बनना है। प्रभु का वचन एक और मुझे याद आ रहा है, प्रभु का वचन कहता, अगर तेरी आंख ठोकर तुझे दिलाए ना, इसे निकाल दो। वो साख के लिए कहा गया जो आंख आपको गलत दिशा में लेके जाती है, आपको विविचार में लेके जा रही है, तो उस आंख को क्या करो, निकाल दो। अंधे होके प्रवेश कर जो स्वर्ग राज में, पर स्वर्ग राज मिस मत करना। अच्छी मछली बनना है, बुरी मछलियां नहीं बनना है, वरना आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। जब स्वर्ग दूत आएंगे, छांटी करेंगे, अच्छी अच्छी मछलियां वो रख लेंगे, मतलब अच्छे अच्छे लोग जो उन्होंने अच्छे कर्म किए, माता पिता की आज्ञा में रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने बहन भाई को दुखी नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, जो विधवाएं उनकी हेल्प की है, अनाथों की हेल्प की है, भलियाई के काम किए, सुसमाचार प्रभु का सुनाया, रूहों को बचाया है, वो लोग जाएंगे स्वर्ग राज में। प्रभु अच्छी अच्छी मछली को एक तरफ कर लेगा और जो बुरी होगी उसे अलग कर देगा। बुरी जाएंगे नरक में, अच्छी जाएंगे स्वर्ग में। अब आपने डिसाइड करना कि आप कैसी मछली बनना चाहते हो, अच्छी वाली या बुरी वाली। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, अच्छी वाली मछलियां बने, अच्छी वाली। आज स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, हो सकता है थोड़ी परेशानी आ जाए, क्योंकि शरीर में होते ना, शरीर आपको गलत दिशा दिलाएगा, शरीर कहेगा कि नहीं, इतनी तू मेहनत करता है, इतने सालों से यही तू काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, तेरे हालात वहां के वहां है। शैतान की बातों में कभी नहीं आना, अपने शरीर की बातों में कभी नहीं आना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और प्रभु मेरा आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करे। हालेलुया। मेरे साथ आंखों को बंद कर लीजिए, आइए हम लास्ट प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज के जो आपका वचन था खुदा, उस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं खुदावन की आपने इतना हमें पावरफुल वचन दिया खुदा विश्वाजा। पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ खुदा, जितने भाई बहन है खुदा विश्वाजा, कोई भी नहीं चाहेगा खुदा विश्वाजा हम तेरे स्वर्ग राज को खो दे खुदा विश्वाजा। पिता परमेश्वर, ये शरीर की अभिलाषाओं से बाहर आ जाए, संसार की अभिलाषाओं से बाहर आ जाए पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्ग राज को ये खोजने वाले बन जाए पिता परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर खुदावन, इन पर दया कीजिए, अनुग्रह कार्य परमेश्वर, जितने भी इनके मसले खुदा जो तेरे स्वर्ग राज से प्रभु ने दूर करते जाए, शरीर की अभिलाषाएं जाए खुदा, ट्रबल है, मुश्किल, बीमारियां खुदा, दुष्ट आत्मा के अटैक है, तो प्रभु जी इन्हें उसे रिहा कीजिए, फ्री कीजिए, इन्हें आजाद करिए पिता परमेश्वर खुदा विश्वाजा। ये कभी अपने शरीर की ना सुने, बल्कि पिता तेरी आत्मा की सुने पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में चले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये बड़े खुदा बड़ी रीति के साथ खुदा, और जिन जिनकी मनोकामना प्रभु जी उन्हें पूरा की कर दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा खुदा, जितने लोग तेरे आगे झुककर मांग रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर हम स्वर्ग राज्य में ही जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी परेशानियां दुख तकलीफें हमारा पीछा नहीं छोड़े पिता परमेश्वर, से दुख परेशानी इनका पीछा छोड़ जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर खुदा। पिता दया कीजिए उनके ऊपर, तरस कीजिए खुदा यीशु आजा प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जिन्होंने तेरी दृष्टि की उनके मुंह कभी काले ना होने पाए, प्रभु जी इनके मुंह कभी काले ना होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, कभी काले ना होने प्रभु जी, इनकी किसी बात की घटी ना हो पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदावन, विश्वास करते कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर भी दे दिया खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं, सारा इज्जत जलाल प्रभु यीशु आजा तेरे नाम को देते हैं और सदा देते रहेंगे, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो यीशु मेरे के सामर्थ्य नाम में, आप सब ब्लेस हो। अगर आप हमारे चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो, नीचे नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप गुरदासपुर के एरिया, दीनानगर, पठानकोट के एरिया, अगर आप चर्च में आना चाहते हो, तो आप सभी का वेलकम है चर्च में। अगर हमारे चर्च में के लिए आप दान भी देना चाहते हो, तो जो नीचे नंबर है इसी, यही पेटीएम है, यही गूगल नंबर है, आप इसी पर दान भी भेज सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, सबको जान सकते।